मुझे ये आंसर लगा, मजा आ गया मेरे को। देखा गया टेक्स्ट बुक्स एवरीवन, किसका पेपर है? ए, कौन है लास्ट लड़का? मैम को बोलो ना कि यहाँ पे दे, ट्राइपॉड दे। स्टे क्वाइट। वे तुम वहां पे हो? Yes, ma'am. Stay 8 minutes. Thank you. Yes. लिखा है, मैंने तो सबको रॉन्ग दिया है, एक एक मार्क बढ़ा दूंगी मैं, क्या करूँ? आज मैं नहीं लेके ये थोड़ा अपने पास। ओके फाइन, नाउ सी वेयर वी हैव बी। When can a bill becomes an act? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डस्टर कौन गया है यार? रोना बच्चा। मैं तुम लोगों को पहले से ही बता दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आएगा, तो समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है? Now, when can bill become an act? Right? हम बहुत सारी चीजें तो बोलते हैं और ministers भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन वो act कैसे बनती है उसकी procedure के बारे में हम बात करें। जैसे कि जिसको prime minister बनना होता है, तो prime minister बनने के लिए वो बहुत बोलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, राइट? लेकिन उसको लागू करना, मतलब टू कम इनटू बी एन एज एन लॉ और एन एक्ट, उसका बहुत ही बड़ा प्रोसीजर होता है जो हमें हमेशा फॉलो करना होता है, राइट? नाउ अ प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल। क्या डेफिनेशन क्या है प्रपोजल? प्रपोजल इज कॉल्ड
अ बिल, उसे बिल कहते हैं, यानी प्रपोज किया वो वाला प्रपोज नहीं हमारा प्रपोज ऐड कर दो ना प्लीज। प्रपोज, प्रपोजल मीन्स के व्हेन वी से समथिंग टू दैट शुड कम इनटू एन एक्ट, तो दैट इज नोन एज अ प्रपोजल। ठीक है, द पार्लियामेंट डज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ ऑगमेंटिंग द ऑल लॉज। ऑगमेंटिंग मतलब चेंजेस, ऑगमेंटिंग का मतलब होता है चेंजेस। पार्लियामेंट हमेशा चेंजेस करता रहता है, मैंने पहले भी बोला था, लाइक फॉर एग्जाम्पल 50 साल पहले हमारे कंप्यूटर्स नहीं थे, राइट तो साइबर क्राइम भी नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी तो साइबर क्राइम भी नहीं था, तो साइबर लॉ की जरूरत नहीं थी। अब साइबर क्राइम आ गया, राइट साइबर मतलब नेट पे बहुत सारे क्राइम होने लगे, तो उसके लिए लॉ बनाना जरूरत पड़ गई, राइट। तो अब ऐसा सोचेंगे नहीं, हमने तो 60 साल 70 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया, अब हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वो पॉसिबल नहीं। सोसाइटी चेंज होती है तो उसके साथ साथ लॉज भी चेंज होते हैं। विमेन्स के पावर बहुत सारे नहीं थे, हमने बहुत सारे विमेन्स को पावर दिए, राइट तो बहुत सारे हमने चेंजेस किए, तो उसकी भी हम बात करेंगे कि क्या हमने चेंजेस, कैसे चेंजेस होते हैं। फ्रेमिंग न्यू लॉज एंड नलिफाइंग ऑब्सोलीट लॉज, यानी हम क्या करते हैं, ऑल लॉज और जो ओल्ड लॉज है उसमें चेंजेस करते हैं, नए लॉज की जरूरत करती है तो नए लॉज बनाते हैं। अगर कोई पुराने लॉज है जिसको हम खींचे जा रहे हैं, जैसे कि 370 आर्टिकल था जम्मू एंड कश्मीर वाला, तो वो बहुत ही पुराना लॉ था, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साल में बना था, जब सिचुएशन अलग थी। अब सिचुएशन अलग है तो उसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसको नलिफाई कर देते, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उससे निकाल देते। ठीक, एंड एनी ऑफ द बिल, आइदर ऑर्डिनरी बिल, money bill or bill to amend constitution can become an act by passing through the following process. अब हम बात करेंगे कि कोई भी बिल अगर हमें पास करना है तो क्या प्रोसेस होता है। एनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी बिल कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट इन लोकसभा या फिर राज्यसभा, कहीं पे भी बिल पास हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही होगा या राज्यसभा में होगा, राइट, जैसा जिस सिचुएशन होता है उस हिसाब से। एनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। न्यू एडमिशन है, द बिल कैन बी प्रेजेंटेड, any bill can be prepared in either house of the parliament, the bill can be presented by a minister or any member of the parliament. aisa nahi hota hai, kaun present karta hai, presented by minister, koi minister hota hai to wo kar sakta hai or member, wo member bhi ho sakta hai minister bhi ho sakta hai, राइट right? कोई भी बोल सकता है कि भाई ये बिल मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, तो दैट इज नोन एज एनी मिनिस्टर और एनी पर्सन ऑफ द मेंबर। इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग एनी बिल, द प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट मीटिंग सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुआ कि डिबेट चलती रही कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है उस चीज का, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा को भी बुलाता है, राज्यसभा को भी बुलाता है, और फिर क्या करता है, वोटिंग करता है, और उसमें जिसकी वोटिंग में यस या नो, यानी ये बिल बोला कि जैसे कि हमारा ये अभी 370 आर्टिकल में लोकसभा और राज्यसभा को बुलाया गया था, उसमें प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि 370 आर्टिकल को नलिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जितनों ने बहुत सारों ने यस, फिर वोटिंग हुई और वोटिंग में क्या आया, यस आया, तो फिर उसको क्या कर दिया गया, नलिफाई। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो फिर लास्ट में क्या ऑप्शन है, वोटिंग, तो फिर वोटिंग की जाती है। देन द बिल बिकम्स एन एक्ट इफ इट इज पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस। बिल कब एक्ट बनता है, बिल बिकम्स एन एक्ट व्हेन मेजॉरिटी given by both
द हाउसेस. जब दोनों हाउसेस उसको मेजोरिटी दे देते हैं तब बिल क्या बन जाता है, एन एक्ट. बिल यानी एक बिल का मतलब होता है एक नॉर्मल हम कोई कागज होता है उसे. लेकिन जब उसको प्रेसिडेंट साइन कर देता है और पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एन एक्ट. राइट, यहां तक समझ में आया? क्लियर. नाउ किसी को क्वेश्चन है, कुछ समझ में ना आया हो तो प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल, ऑर्डिनरी बिल, नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल तो बजट हमेशा होता है. हाँ बोलिए. इक्वल हो तो फिर प्रेसिडेंट और स्पीकर फिर वोट करते हैं. नहीं, प्रेसिडेंट तो फिर अगर मेजोरिटी आती है तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है. ही डोंट हैव एनी ऑप्शन. वो 15 दिन तक वो अपने पास रख सकता है, फिर 15 दिन के बाद वो वापस बोल सकता है कि भाई इसमें ये चेंजेस करो. पर फिर लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं नहीं चेंजेस करने, और फिर वो वापस उसके पास बिल आ जाता है तो उसको साइन करना ही पड़ता है. नाउ प्रोसीजर ऑफ एन बिल एक्ट फ्रॉम बिल ऑर्डिनरी नॉन फिनेंशियल. नॉन फिनेंशियल मतलब हम बजट की बात नहीं कर रहे, हम प्रॉपर एक्ट्स की बात कर रहे हैं जो एक्ट्स बनते हैं हमारे कंट्री. द प्रोसीजर ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिल इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल. अब हम आएंगे कि प्रोसीजर क्या है, कि प्रोसीजर क्या होता है और आ रहा है यहाँ पे इसके अंदर. हाँ, प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट बिल की रीडिंग होती है. क्या होती है, रीडिंग. फिर वो तो मिनिस्टर भी कर सकता है, मेंबर कोई भी पार्लियामेंट का कर सकता है. तो सबसे पहले क्या होगा, बिल की रीडिंग होगी. तुझे बात करनी है तो कर ले, बाद में मैं चलाती हूँ. देन बोल, बिल कोई भी मिनिस्टर, जैसे कि मिनिस्टर्स को लगता है कि उनके एरिया में या उनकी कंट्री के लिए ये बिल आना चाहिए, तो फिर वो प्रोसीजर में डालते हैं और फिर उसको रीड करते हैं. वेयर इन द टाइटल ऑब्जेक्टिव्स एंड डिजर्न्स ऑफ द बिल्स आर डिस्क्राइब. तो क्या क्या बात की जाती है, टाइटल, फिर रीजन एंड ऑब्जेक्टिव. मतलब के क्या टाइटल दिया जाएगा. तो हमने पार्ट ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया था टू मेक कंट्री कंप्लीटली यूनिफाइड. तभी हम यूनिफाइड हो जाएंगे ना, कश्मीर हमारे में आएगा. तब तक हमारे पास पूरे पावर कंट्री के कश्मीर के नहीं थे. तो हमने 370 आर्टिकल में क्या किया, ये हमने आर्टिकल बोला कि भाई 370 आर्टिकल निकाल दो. राइट, तो कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया बनना चाहिए. अभी तक कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया नहीं था क्योंकि उसके पास दो पासपोर्ट्स थे. राइट, तो दैट इज द रीजन. नाउ यस, किसी के बेंच पे दो कोको तो ले लो ना बच्चा. सो टू मेक कंट्री कंप्लीटली यूनिफाइड, मतलब कश्मीर में 370 आर्टिकल निकाल दिया तो कश्मीर अब क्या हो गया, हमारा पार्ट हो गया. राइट, सो दैट वॉज द रीजन. हाँ, एक ही पासपोर्ट है उनके पास. नाउ बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल इट इज इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली recommendation of the chairman of the house and before presenting any bill in the center the recommendation of president is required. yani ke ye hame kabhi bhi bill pass karwana hai, bill pass karwana hai, aise main likh to nahi sakti ki bill pass karwana hai, to pass the bill, main abhi likhne wali thi bill pass karwana, to pass the bill recommendation of किसकी किसकी चाहिए, चेयरमैन की रिकमेंडेशन चाहिए और किसकी चाहिए,
प्रेसिडेंट की, तभी जाके वो बिल आगे बढ़ता है। वो बोले कि हाँ तुम यहाँ लेने आओ ना फटाकड़ा फोड़वाना, तो तुम्हें फटाकड़ा फोड़िए, तो हम कहोगे ना नहीं फोड़वाना, वो कहो हाँ फोड़ो, तो तुम्हें फोड़ सो ने, राइट? सो इट इज लाइक दैट, कि इफ यू वांट टू से समथिंग यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी कौन होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब विधानसभा में कौन होता है? चेयरमैन, राइट? जैसे कि गुजरात में कोई बिल पास करना है तो सबसे पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ती है? चेयरमैन की। और अगर लोकसभा में या पार्लियामेंट में हमें पास करना है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? क्लियर? अब उससे आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड अपॉन, ऑब्जेक्शंस मस्ट बी विथ रीजंस एंड वोटिंग इज डन इफ नेसेसरी। फिर बिल अगर आता है तो अब मैं ऑपोजिशन पार्टी में बैठी हूँ तो मुझे पैसे तो उसी के मिलते हैं ना, कि ऑपोजिशन पार्टी में हूँ तो कुछ तो अगेंस्ट बोलना पड़ेगा ना, अच्छा हो या खराब हो बोलना तो पड़ेगा कि नहीं, राइट? सो ऑब्जेक्शन हमेशा होता है और ऑब्जेक्शन होना भी चाहिए, राइट? जैसे कि मैंने अभी बोला कि डेमोक्रेटिक नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो तुम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं मैम ऐसा टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ओशन में भी दिया है, तो मुझे पता चला कि हाँ मैं शायद गलत हो सकती हूँ, राइट? नहीं हूँ मैं, लेकिन अब मेजोरिटी विंस, क्योंकि मेजोरिटी वोट दिया हुआ है तो मेजोरिटी विंस। सो दिस इज द हाउ द होल फॉर्मेशन इज डन, के पहले आपको मेजोरिटी चाहिए होती है, तो मेजोरिटी के साथ आप एक तो बैठे होते हो, जैसे कि आपकी पार्टी है तो यू आर विद देम, लेकिन अपोजिशन पार्टी के भी लोग जीत के आते हैं तो फिर वो डिबेट करते कि भाई इसमें ये गलती है, ये प्रॉब्लम है, ये है, सो देयर इज अ क्वाइट गुड डिबेट होती है। ऐसा नहीं होता है कि लोग लड़ते ही झगड़ते हैं पार्लियामेंट में, दे ऑलवेज हैव अ, जो एडुकेटेड होते हैं जिनको लॉज के बारे में पता होता है वो अपने रीजंस भी रखते हैं, फिर पार्टी को लगता है कि नहीं नहीं ये ऐसा चेंजेस होना चाहिए तो फिर वो चेंज करके लेके आती है, तो फिर वो पार्टी नहीं सुनती है, देन व्हाई शी विल दैट पार्टी विल लिसन, दैट पार्टी विल नॉट लिसन, इफ आई एम राइट आई विल नॉट लिसन टू सम, राइट? सो इट्स लाइक दैट। देन सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन इन एवरी पॉइंट। फिर अब क्या किया जाएगा, जैसे कि बिल होता है तो बिल में ऐसा नहीं होता है कि ये 370 आर्टिकल है मुझे पास कर देना है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर मेनी थिंग्स यू स्टैंड अप फ्रॉम देयर, गेट अप, सिट ओवर देयर ऑन द थर्ड लास्ट बेंच, इतना दूर नहीं है, इधर ही है, हाँ, डोंट वेस्ट माय टाइम। तो 370 आर्टिकल लिख दिया और पास हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो एक एक पॉइंट डिस्कस होता है कि ये पॉइंट डिस्कस हुआ, राइट? फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस होता है, हर एक स्टेट वाइज, फिर स्टेट वाइज जो मिनिस्टर्स बैठे होते हैं बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से डिस्कशन होता है, तो हर एक पॉइंट का डिस्कशन होता है, पॉइंट वाइज डिबेट होता है, ऐसा नहीं कि आर्टिकल आया और पास हो गया, प्रॉपर डिस्कशन के बाद होता है। देन फिर इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स रिपरकशंस आर एग्जामिन्ड, मतलब कि उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, अगर हम ये बिल लाए तो क्या हो सकता है वो भी तो सोचना पड़ेगा ना, तो उसके रिपरकशंस भी हमें सोचने पड़ते हैं। अमेंडमेंट्स आर डन इन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, पब्लिक एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और ओपिनियन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, वोटिंग इज कैरिड आउट ऑन दैट। फिर पब्लिक को बुलाया जाता है, यानी पब्लिक की कॉमन लोग, मतलब कॉमन मतलब ऐसे ही कोई किसी को नहीं उठा के लेके आते, जिसको जो पता होता है उस लॉ के बारे में, तो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, फिर इंस्टीट्यूशंस को बुलाया जाता है, फिर उनसे भी डिस्कशन किया जाता है, बहुत अगर इम्पोर्टेंट बिल पास करना हो तो, और फिर अगर फिर उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आता है, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसके बाद वोटिंग होती है कि भाई आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, फिर वोटिंग होती है, हाँ आता है तो आगे बढ़ता है। हाँ तो फिर पब्लिक पीआईएल फाइल कर सकती है ना सुप्रीम कोर्ट में, कि हमें इस बिल के अगेंस्ट, जैसे रिजर्वेशन कोटा जब पास हुआ था,
रिजर्वेशन कोटा मतलब ओबीसी एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे दिया गया था, आपको पता है रिजर्वेशन क्या है राइट। तो उस वक्त लोगों ने पब्लिक ने जब वो बिल पास हुआ तो कल्याण सिंह ने पास किया, उसकी पार्टी ने पास किया, उसके बाद बहुत ही हंगामा हुआ, फिर PIL फाइल हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि नहीं भाई ये बिल ठीक है, उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए, जैसे कि सारे अगर अमीर लोग हैं तो भी उनको रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलना चाहिए, बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए राइट। और उसके बाद वो बिल को पास किए, तो ऐसा नहीं है कि बाद में पब्लिक बोल नहीं सकती, पब्लिक PIL साइड फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ लॉज तो मिनिस्टर्स भी बनाए क्योंकि हमने उनको पावर दी है। देन वोटिंग इज कैरिड आउट ऑन दैट, समटाइम्स ड्यू टू द वर्कलोड ऑफ द हाउस ऑफ बिल कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल। बहुत छोटे छोटे बिल होते हैं ना जो ऐसे ही पास कर देने होते हैं, तो उसके लिए वो टाइम वेस्ट नहीं करते, डिटेल में नहीं बिल पास करते, कि जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारी चीजें होती है कि ये वाला लॉ पास कर दो, इतना बजट पास कर दो, इतना बजट, तो वो आराम से पास हो जाता है, उसके लिए डिस्कशन नहीं होता है। therefore it is handed over to committee comprising of subject experts and members having special knowledge to examine the bill. फिर वो ऐसे बिल होते हैं जैसे कि मिनिस्टर्स है उनको तो कुछ पता भी नहीं होता है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई बिल होता है तो वो क्या डिबेट और डिस्कस करेंगे, उसका ये भी नहीं आता होता है उनको राइट। जैसे कि मुझे साइंस में कुछ बोल दो तो मुझे नहीं पता चलेगा राइट, तो मैं क्या डिस्कशन करूंगी, तो क्या कर दिया जाता है पार्लियामेंट में, ऐसी कमिटी बिठा दी जाती है जहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसा बिल पास होना चाहिए, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी या कुछ भी आना चाहिए, तो उसके लिए बिल पास करो, तो फिर वो कमिटी डिसाइड करती है और फिर वो बिल पास हो जाता है। समझ में आया। देन देन कीपिंग इन द व्यू ऑफ पब्लिक ओपिनियन दे अंडरगो नेसेसरी डिस्कशन एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड चेंजेस देयर, द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी सबमिटेड इट टू द हाउस, देन द बिल इज सेंट फॉर द थर्ड रीडिंग। फिर थर्ड रीडिंग मतलब आखिरी रीडिंग, फिर इतने सारे डिस्कशन डिबेट के बाद वो लास्ट में सबको पता होता है कि आज तो बिल पास होने ही वाला होता है, ये थर्ड रीडिंग मतलब लास्ट रीडिंग, और थर्ड रीडिंग के बाद पूरी डिस्कशन में थर्ड रीडिंग हो जाती है, फॉर्मालिटी होती है कि थर्ड रीडिंग हो गई और उसके बाद वो बिल पास हो जाता है, तो थर्ड रीडिंग हो गई। थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल, पहले भले 50 बार आप डिस्कशन कर लो, जब रीडिंग होती है तो डिबेट कर लो, जो भी कर लो, लेकिन थर्ड रीडिंग इज द फॉर्मल रीडिंग, मतलब फॉर्मेलिटी कंप्लीट अब करनी है। आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शंस और रिजेक्शंस ऑफ द चेंजेस इन द बिल, वोटिंग इज कैरिड आउट। फिर फॉर्मल रीडिंग होने के बाद क्या होता है, वोटिंग होती है, फिर वोटिंग हो गई, उसके बाद इफ इट गेन्स मेजोरिटी देन द बिल इज डिक्लेयर्ड पास, अगर मेजोरिटी यस आ गया तो क्या हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है कि बिल पास हो गया। द पास बिल इज साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट हाउस एंड देन इट इज सेंड टू द सेकेंड हाउस, पहले कौन साइन करता है, चेयरमैन, कि भाई फाइनल हो गया है बिल, और फिर वो किसके पास जाता है, सेकेंड हाउस मतलब प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, ठीक है, विथ इट्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स, अगर चेंजेस करने हैं थोड़े जो है तो करते हैं राइट, करने ही पड़ते हैं तो ही ऐसा लगे ना कि हाँ सच में कुछ किया है काम ऐसा। It is sent to the president's signature and after receiving president's assent, the bill becomes an act. फिर क्या होता है, finally president के पास वो bill चला जाता है और president उसको sign कर देता है, and then only it was said that the bill is passed and it becomes an act. पता चला? नो आ गया तो फिर उसको फिर ज्यादा डिस्कशन की करने की बात ही नहीं है ना, वो वही का वही रह जाता है, फिर उनको जब इच्छा होती है फिर वापस बात में बात करते हैं राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट कि कितना इम्पोर्टेंट बिल है, यस होता है, नहीं फॉर्मल रीडिंग होती ही है, फॉर्मल रीडिंग मतलब कि आज आखिरी बार जो डिस्कशन करना है हो गया, फिर अब उसके बाद हम आगे बात नहीं करेंगे, तो थर्ड रीडिंग हो गई उसके बाद वोटिंग हो गई, दैट इज द फाइनल रीडिंग राइट। ऐसे अचानक आप ऐसे ही बोल दो कि आज चलो हमको कुछ पता ही नहीं है और बोल दिया कि ऐसा बिल पास करना है, तो कोई प्रिपेयर भी नहीं होता है ना, इसलिए फर्स्ट और सेकंड रीडिंग होती है कि हमको आपको प्रिपेयर होना है तो आप प्रिपेयर हो सकते हैं। हाँ
बिल में अगर अमेंडमेंट चेंजेस करने हैं तो लोकसभा राज्यसभा कर सकती है। सॉरी ना ना, ऐसा नहीं होता है। जब बिल पास होता है, कोई भी बिल पास करना होता है, तो लोकसभा राज्यसभा को बुलाना ही पड़ता है। अगर लोकसभा का बिल है, मतलब कि जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट बेसिस बिल है, यानी गवर्नमेंट को ही डिक्लेयर करना है, रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, आर्मी है, तो लोकसभा कर देती है, तो लोकसभा के लोग ही इकट्ठा होके कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा बिल है कि पूरे कंट्री पे इफेक्ट करेगा, राइट, तो फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों आती है। हाँ, मिनिस्टर बोलता है। मिनिस्टर अगर छोटे सा छोटा बिल भी पास करना है तो उसको परमिशन तो लेनी ही पड़ती है, राइट। आपको 100 रुपए खर्च करने हैं तो आपको पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन आपको 5,000 खर्चने हैं तो पापा मम्मी को पूछना पड़ता है या नहीं पूछना पड़ता है। इट्स सेम लाइक दैट कि अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, या फिर ऐसे 100 छोटे छोटे बिल है तो वो तो पास हो जाते हैं, उसके लिए ज्यादा डिस्कशन नहीं, लेकिन कोई बड़ा बिल पास हो रहा है तो फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों आ। देन बट द बिल इज नॉट पास इन द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इज इट इज अगेन सेंट टू द फर्स्ट हाउस। If the second house keep the bill for more than 6 months, it is understood that bill is rejected. मतलब जैसे कि लोकसभा, ऐसे मैंने बिल पास किया, राइट, तो फर्स्ट हाउस कौन है? लोकसभा, ठीक है। सेकेंड हाउस कौन है? राज्यसभा। अब लोकसभा में बिल पास हुआ, लोकसभा ने बिल किसको भेजा? राज्यसभा को भेजा, राइट। अब राज्यसभा को लगा कि चल अब इसको तो ये बिल को पास करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, और वो राज्यसभा को अगर नहीं पास करना है और डिबेट और मगजमारी में नहीं जाना है तो व्हाट दे विल डू, दे कीप दैट बिल फॉर 6 मंथ्स, अपने पास रख लेते हैं 6 महीने तक, और फिर वो क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो बिल आगे बढ़ता ही नहीं। ये सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में किसके लिए हुआ था? वन फॉर रिजर्वेशन फॉर विमेन। ये बिल अभी तक 50 बार गया है, रिजर्वेशन फॉर विमेन। ये बिल अभी तक लोकसभा में से राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने हमेशा 6 मंथ्स के लिए रख दिया, तो वो रिजेक्ट हो गया। फिर वापस 6 महीने बाद किसी को इच्छा हुई तो वापस रीडिंग हुई, वापस 6 मंथ के लिए रख लिया तो वो रिजेक्ट हो गया। फिर हाँ, फिर अगर ऐसा प्रेसिडेंट को लगे कि नहीं नहीं हमको साथ में ही करना है, तो फिर साथ में बुलाया जाता है, और फिर देन ऑल्सो इट बिकम्स यू नो देन नो आ जाएगा तो भी रिजेक्ट हो गया, राइट। So in this way, it will got rejected. If both the houses disagree or have a dispute over the bill, a joint session of both the houses is summoned. फिर अब आपने बोला ना कि अब दोनों houses में disputes हो रहे हैं, discussion हो रहे हैं, तो बोले कि चलो तुम सब साथ में आ जाओ, साथ में ही discussion करके उसको voting करके decide कर लेते हैं। फिर voting होती है, and then in the joint session of the parliament, the disputes are tried to be resolved through gaining majority. और फिर वोटिंग हो जाती है, तो फिर वो पास हो जाता है तो यस आ जाता है, नहीं पास करना होता है तो नो आ जाता है। तो ये क्लियर हो जाता है, ये सिंपल है, राइट। व्हेन अ बिल साइन टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर, देयर आर 3 ऑप्शंस विद द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को भी इच्छा है भाई कि उसको करना है तो करे, ना करना है तो ना करे, राइट। तो ही साइन द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट ऑल। पहले तो वो अगर उसको साइन करना होता है तो तुरंत साइन कर देता है और अप्रूव कर देता है। सेकेंड, ही कीप्स द बिल विद हिम और हर। मतलब कि अगर उसको ऐसा लगता है कि अभी इसमें थोड़े से चेंजेस मुझे सोचना पड़ेगा, तो वो अपने पास वो बिल रख देता है और साइन नहीं करता है। ही सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। फिर उसको लगता है कि ये चेंजेस हो जाने चाहिए, ऐसा बिल नहीं, बिल तो ठीक है लेकिन बिल में थोड़े चेंजेस करने जरूरी है, तो फिर वो बिल में चेंजेस करता है और फिर वो वापस भेज देता है, राइट। सो द बिल बिकम्स एन एक्ट इफ पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गैजेट। उनका एक गवर्नमेंट गैजेट होता है, एक मैगजीन। गैजेट का मतलब क्या होता है? मैगजीन। अगर एक बार उसमें वो एक्ट आ गया, मतलब वो बिल बता दिया, तो दैट मीन्स के बिल फाइनल हो गया है, राइट। देन देयर इज एनफोर्समेंट फ्रॉम द डेट गिव देयरिन। फिर वहां से जिस डेट दी गई होती है ना, तब से वो बिल एक्ट में आ जाता है, मतलब शुरू हो जाता है। When any bill amend the constitution is presented in any of the house, it has to be passed by a majority number of the members and the house and by 2/3 of members present and voting.
यानी बिल किस तरह से पास होता है, 2/3 उसको मिलनी चाहिए, 2/3 मिलने चाहिए, जितने लोग बैठे हैं उसमें से 2/3 वोटिंग, 10 लोग बैठे हैं तो भी 2/3 वोटिंग, 50 लोग बैठे हैं तो भी 2/3 वोटिंग, 500 लोग बैठे हैं तो भी 2/3 वोटिंग, क्लियर, 2/3 वोटिंग उसको मिलनी चाहिए। तो वो उसका पावर है ना, उसके पास दैट पावर ही इज हैविंग कि वो पावर उसको यूज कर सकता है, लेकिन फाइनली बिल तो उसको पास करना ही पड़ता है, वो नहीं रख सकता। द बिल ऑल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसेस एज द ऑर्डिनरी बिल, फिर सारे बिल ये जो मैंने बात की ना वो सेंटर में भी सेम प्रोसेस होता है और स्टेट में भी सेम प्रोसेस होता है। स्टेट में कौन होता है, MLA होते हैं और गवर्नर होते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट साइन करता है बिल लोकसभा राज्यसभा में, और स्टेट में कौन पास करता है, गवर्नर, क्योंकि गवर्नर हेड होता है स्टेट का और कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। समझ में आया, सेम प्रोसीजर, एवरीथिंग इज सेम बट द पीपल विल बी चेंज। गवर्नर प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कौन सा कहाँ पे गवर्नर बैठेगा। देन ये हो गया, अब सब्जेक्ट टू मनी बिल, अगर मनी बिल है तो किस तरह से पास होता है। मनी बिल का सारा पावर लोकसभा के पास, यानी सबसे बड़ा सबसे मालदार पार्टी कौन है, लोकसभा। द रीजन इज कि लोकसभा ही बजट पास करता है। मनी बिल हमेशा अगर लोग उसमें राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं होता है, राज्यसभा भले कितना भी चिल्ला ले मनी बिल तो लोकसभा ही पास करता है। क्यों, क्योंकि लोगों ने किसको वोट दिया है, लोकसभा, राइट। तो जो लोकसभा डिसाइड करेगा मनी बिल में वो ही होता है, राइट। सो अब मनी बिल कौन रीड करेगा, बॉय, उस दिन गर्ल्स को रीड किया करवाया था ना, आज यहाँ से शुरू करते हैं, चलो बॉयज रीड। अब मैं बोल रही हूँ ना प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल, बोल इसको पता ही नहीं कहा है, लास्ट 76 पेज पे लास्ट करेंगे। यानी मनी बिल, बिल मतलब मनी बिल, मनी बिल मतलब बजट। हमारी कंट्री में हर 28 फरवरी को बिल और बजट बोला जाता है, हर कंपल्सरी, और कौन उसको रीड करता है, फिनेंस मिनिस्टर। जो फिनेंस मिनिस्टर होता है, जैसे सीतारमन है तो सीतारमन करती है, पहले अरुण जेटली थे तो अरुण जेटली करते थे, राइट। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है दैट विल रीड द बिल, वही बजट पूरा रीड करता है। वो तो फिर जनता डिसाइड करेगी ना गलत है कि नहीं है, वो हमारे सामने ही आएगा वो बिल, सर बोलेंगे तो पता है पूरे दिन न्यूज में आता है कि इसके एसी के भाव बढ़ गए, इसके बढ़ गए, टॉपिक होके बढ़ गए, आता है कि नहीं आता है, तो उससे पता चलता है कि क्या ऑलरेडी बिल पास हुआ है। हाँ, यानी लोकसभा में अगर मनी बिल, लोकसभा में ही मनी बिल पास होता है उसका क्या प्रोसेस है वो हम बात करते हैं। प्रीलिमिनरी डिस्कशन कैरीड आउट होता है पहले मनी बिल में, मनी बिल का लोकसभा में, फिर एक्सपेंसेस बोले जाते हैं कि भाई हमारा इतना इनकम है, हम इतना खर्चा करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ में हम इतना डालेंगे, एजुकेशन में इतना डालेंगे, फिर आर्मी के लिए इतना डालेंगे, तो ये सब कुछ डिसाइड होता है तब कि कितना कितना किसको क्या बजट मिलेगा। तो ऑल विल बी डिसाइडेड इन द दिस, तो वो नंबर्स के साथ बोलते हैं कि इतने हजार करोड़ हम इसको देंगे, इतने हजार करोड़ हम इसको देंगे, सो इन दिस वे दे विल डिस्कस। The
जैसे कि मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए अगर मुझे अपना एग्रीकल्चर अच्छा करना है। हेल्थ वाला है तो उसको ये पता होगा कि कितने हॉस्पिटल्स बनाना है, क्या प्राइमरी सेंटर्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या बजट है। तो हम जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो अपना बजट बोलते हैं कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए अगर हमको उस कंट्री को डेवलप करना है, तो दे ऑल विल कीप देयर डिमांड्स, राइट। फिर फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करता है कि किसकी कितनी डिमांड्स है और किसको कितना देना चाहिए। गुड पॉइंट। सोर्सेस ऑफ इनकम एंड टैक्सेस आर सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द बजट एंड बोथ आर टू बी सेपरेटली अप्रूव्ड। यानी इन जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए, 30 रुपए सरकार को पेट्रोल मिलता है तो भी हमको 100 रुपए में बेचता है, राइट। तो ये टैक्सेस है, ये वैट है, जीएसटी है, सीजीएसटी है, तो ये क्यों लगाती है सरकार? क्योंकि अभी उनके खर्चे बहुत ज्यादा है, राइट, और इनकम बहुत कम है। जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, इतने हॉस्पिटल्स में इतने पैसे जाते हैं, वैक्सीन दवाएं मुफ्त में थोड़ी आता है, और पैसे कोई छाप नहीं सकते हो आप ऐसे कि चलो इतने जरूरत है और तो छाप लिए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सरकार को पैसा चाहिए ये सब चीजें। आप लोगों को फ्री वैक्सीन देता है कोई इंसान, मतलब सरकार, यानी कितने हजारों करोड़, अरबों करोड़, आपके लाखों करोड़ रुपए आपके वैक्सीन में जाते हैं, तब जाके वो आता है। तो लाखों करोड़ कहाँ से आ गया, ऐसे ही थोड़ी झाड़ पे उग जाएंगे, राइट। तो उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है? टैक्स से, राइट, जो हम टैक्स पे करते हैं। तो इसीलिए सरकार दो चीजें करती है कि ये हमारी इनकम हम कैसे जनरेट करें। सरकार थोड़ी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थोड़ी काम करने जाता है और पैसा कमाता है, राइट। वो यही डिसाइड करता है कि कितना टैक्स हम जनता से लेंगे और कैसे लेंगे तो हमको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, राइट। अभी नितिन पटेल ने बोला कि आ वक्ते हमारो वक्रो बहुत सरस छे, कारण के हमने पेट्रोल ने आवक सौथी वधारे छे, तो थसे ने 100 रुपया करी दीदू का, राइट। तो इट इज राइट लाइक दैट, और जरूरी भी है क्योंकि हमारी कंट्री को अभी बहुत सारे खर्चे हैं जो हमसे ही लेंगे, हमको वैक्सीन देंगे तो हमसे ही पैसा लेंगे। वो तो सामने ही आ जाता है ना कि अगर काम नहीं कर रहे तो वो दिखेगा ही दिखेगा, सो दैट विल कम इनटू द स्टैंड। और वह ऐसी कमेटी, ऐसे ही आप कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ यस, नेक्स्ट नेक्स्ट The bill, stay quiet. A bill approved in the Lok Sabha first is sent to the Rajya Sabha for recommendations. The Rajya Sabha has to return it to the Lok Sabha with necessary recommendations within 14 days. Lok Sabha can either accept or reject the total and partial recommendations of the Rajya Sabha. Okay, wait. Now, bill approval Lok Sabha pehle first karti hai. उसके बाद किसके पास जाता है? राज्यसभा के पास रिकमेंडेशन के लिए जाता है। फिर अगर वापस लोकसभा के पास वो बिल वापस आता है तो वो क्या, राज्यसभा 14 दिन के अंदर वो वापस लोकसभा को भेज देती है कि भाई ये चेंज करो बजट में, कि ये चेंज करना है, ये चेंज करना है। तो लोकसभा को अगर करना होता है तो करता है, नहीं तो रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट, लोकसभा कैन इधर एक्सेप्ट। हाँ, मतलब लोकसभा तो बिंदास होती है कि 14 दिन तक तुमको रखना है तो रखो, अगर तुम वापस नहीं भेजोगे कोई रिकमेंडेशन के साथ तो हम उसको पास गिनेंगे कि दैट इज पास। Has limited powers. मतलब कि बिल वापस राज्यसभा ने बोला कि ये रिकमेंडेशन करो, लेकिन लोकसभा को लगा कि मुझे कोई चेंजेस करना नहीं है तो वो नहीं करेगा, वैसा का वैसा वापस भेजेगा। तो वो वापस भेजेगा तो राज्यसभा को उसको मानना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है भले लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाए लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा, राइट। सो इसमें राज्यसभा के पास बहुत ही मिनिमम पावर है। जब हम
मनी बिल की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो मनी बिल ही है, और मनी बिल का हाँ पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। हाँ, द प्रेसिडेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, द प्रेसिडेंट हैज टू साइन द मनी बिल, मतलब उसको मनी बिल पास ही करना पड़ेगा। अगर इफ द बजट इज नॉट पास इन द हाउस, देन द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। मतलब आप बिल भी नहीं पास करवा सकते तो आपकी जरूरत ही क्या है, घर में ही बैठो, राइट? तो रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा, लेकिन प्रेसिडेंट पास करता ही करता है। अभी तक पूरा हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो वो रिकमेंडेशन कर सकता है कि भाई चेंजेस करो, उससे ज्यादा उसके पास कोई पावर नहीं। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेट्स, यानी ऐसा ही नहीं होता है कि एक्ट और बिल ही पास होते हैं और इसी की बातें होती है। सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स, उसके भी डिस्कशंस होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, वो सब इसके ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन करते हैं कि हमारा सोशली हमें कैसे डेवलप होना चाहिए, कल्चरली कैसे डेवलप होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी वहां पे डिस्कस होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस बिल ही पास होते हैं और यही होता है। मम्मी मारियो आज के खावा नहीं आती। Without the consent of the houses of the parliament. Taxes can be done. यानी लोकसभा के पास एक डायरेक्ट कंट्रोल है पब्लिक फंड्स का, मतलब मिनिस्टर के पास क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल है पब्लिक फंड्स का। लेकिन कोई भी मिनिस्टर लोकसभा में पास किए बिना कोई भी टैक्स नहीं लेविट कर सकता है। मतलब ऐसा किया कि 5% हमारा, जैसे 2.5% जीएसटी सीजीएसटी अभी चल रहा है, राइट? तो ऐसे सर ये हमारे क्या नाम है, रूपाणी ने सोचा कि 6% कर देते, तो ऐसा नहीं होता है। पहले वो लोकसभा या विधानसभा में पास किया जाता है, अगर वहां से पास होता है तभी आप टैक्स बढ़ा सकते हो, मतलब जनता पे टैक्स लगा सकते हो। ऐसे कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती कि नहीं नहीं हमको पैसे की जरूरत है हम टैक्स बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, राइट? सो पूरा उसका प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर पास होता है तो ही आप टैक्स लगा सकते हैं। हाँ, बहुत संभाल के रखते हैं पार्लियामेंट के लोग, पैसा कस्टडियन है वो हमारे पैसों के, संभलाई हुआ रहता है उनके घर में अच्छे से। कुछ नहीं, उनको जेल होती है, केसेस चलते हैं, और क्या होता है, हाँ रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट, तो द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी ऐसा नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर ए प्रेसिडेंट को या फिर वाइस प्रेसिडेंट को या गवर्नर को नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पीचमेंट प्रोसेस है। वो इम्पीचमेंट प्रोसेस से आप जज को, सुप्रीम कोर्ट जज को, हाई कोर्ट जज को, किसी को भी निकाल सकते हैं, राइट? उसके भी बारे में हम बात करेंगे बाद में कि व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस, उसका पूरा एक टॉपिक आएगा। नाउ लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। नेक्स्ट,
हाँ यानी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा होती है, जैसे हमारे गुजरात में गांधीनगर में विधानसभा है, तो विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड दैट इज नोन एज अ लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ यानी अभी मैंने बाइकैमरल आपको समझाया था ना। हाँ तो टू हाउसेस, तो ये जैसे कि अब तो बंगाल वेस्ट बंगाल में भी टू हाउसेस है बाइकैमरल, इसमें चैप्टर में यानी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जो बहुत बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, तो दो हाउसेस की जरूरत होती है। तो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाता है अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो जाता है लोअर हाउस, राइट। लेकिन स्टेट के हिसाब से उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते, राइट। नेक्स्ट, हाँ यानी विधानसभा में एटलीस्ट इतने तो होने चाहिए, 60 होते हैं, राइट। मिनिमम 60 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 500। हमारे हमारे विधानसभा में 182 एग्जीक्यूटिव मतलब के मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या है, तो सेम है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 25 साल का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स प्रूव्ड नहीं होने चाहिए और एंड कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप लिखो, अगर आप ये सब हो तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जीत सकते हो, मतलब लड़ सकते हो। टाइम पीरियड नेक्स्ट, जैसे कि लोकसभा में सेम सेम, लोकसभा में जो है वही सेम विधानसभा में, लोकसभा में भी कोई परमानेंट नहीं होता लोकसभा, उसी तरह से विधानसभा भी परमानेंट नहीं होता है, 5 साल का उनका टाइम पीरियड होता है। हाँ यानी अगर ऐसा लगे, जैसे गवर्नर होता है तो गवर्नर हेड होता है स्टेट को, और गवर्नर हेड जो स्टेट का होता है दैट फील्स कि एवरीथिंग इज नॉट गोइंग इन अ प्रॉपर वे, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, जो जैसे कि हमारी रूपानी गवर्नमेंट है और रूपानी गवर्नमेंट को फील हुआ कि मीन्स रूपानी गवर्नमेंट के लिए गवर्नर को फील हुआ कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल ऑफ द स्टेट इज सफरिंग, राइट। तो वो गवर्नर बोल सकता है प्रेसिडेंट को कि वी हैव टू डिसॉल्व दिस गवर्नमेंट, मतलब हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, राइट। नहीं, गवर्नर तो प्रेसिडेंट करता है ना, सरकार चेंज हो सकती है, गवर्नर चेंज नहीं होता है, गवर्नर तो प्रेसिडेंट के से ही चेंज होता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी चेंज। यस, हाँ फिर उसके बाद क्या आ जाता है, गवर्नमेंट निकाल दी जाती है, उसको रिजाइन करवा दिया जाता है और फिर तो और क्या आ जाता है, प्रेसिडेंट रूल, राइट। अगर ऐसे सिचुएशन आती है तो प्रेसिडेंट रूल भी पास किया जाता है। हाँ, यानी फिर प्रेसिडेंट रूल आ जाता है तो कौन हेड हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर हेड में से निकल जाता है और गवर्नर हेड बन जाता है, स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर है, वो सब काम करने लगते हैं और दूसरे सारे मिनिस्टर्स को निकाल दिया जाता है। मतलब इन शॉर्ट कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर काम नहीं करता है, सेंट्रल लेवल से काम होता है,
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा उसको कंट्रोल करती है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। नेक्स्ट, हाँ, यानी जो जैसे हमारा राज्यसभा का है सेम ही है कि कोई भी मेंबर बन सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। फिर इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द इंस्टीट्यूशन, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नेंस में से हो सकता है, लेजिस्लेचर्स में से हो सकता है, टीचर हो सकता है, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इलेक्टोरेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में खड़ा रह सकता है, उसको आप यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना सकते हो, राइट। फिर उसकी कैंडिडेट कितने साल का होना चाहिए, 30 years का, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट। स्टेट में भी हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में है तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, परमानेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि उसमें लोग नहीं इलेक्ट करते हैं, उसमें से ही उनकी असेंबली बॉडीज होती है, वही उनको इलेक्ट करते हैं। हाँ, यानी 6 साल के लिए सेम होता है उनका, 2/3 ऑफ द इलेक्टर्स मतलब जो होते हैं मेंबर्स, वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए आते हैं। स्टेट डिसाइड करता है कि भाई रखना है कि नहीं रखना है। अगर उनको लगता है कि रखना है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल ला सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो नहीं लाएंगे। सेम लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोकसभा हमारा, राइट। वो बिल पास करता है, मनी बिल भी वो पास करता है, एक्ट भी वो पास करता है, फिर वो अगर एक्ट पास होना होता है तो गवर्नर के पास जाता है, फिर गवर्नर साइन कर देता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। सेम प्रोसीजर, खत्म आज की सभा।